अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान शिव करेंगे वास्तु दोष का दमन। सावन में अगर आप कुछ उपाय करें तो खुशहाली जरूर पा सकते हैं। तो सावन में कुछ दिन शेष बचे और अगर वास्तु दोष से परेशान हैं तो कुछ उपाय हैं जिनसे आपको निदान जरूर मिलेगा। सावन हरियाली और नवचेतन का माह है जो भगवान शिव को प्रिय है। इस माह पूरा माहौल भगवान शिव की भक्ति में भक्तिमय रहता है। हर तरफ सकारात्मक शक्ति का प्रवाह होता है। इस माह में नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। इसलिए आपके जीवन में कोई वास्तु दोष है जिस कारण घर में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, साथ ही परिवार के सदस्यों की सेहत को खराब करती है और इसके दुष्प्रभाव से आर्थिक और मानसिक समस्याएं भी उत्पन्न होती है, तो इस वीडियो में कुछ वास्तु के उपाय बताए गए हैं जिन्हें सावन मास में करने से निदान जरूर होता है। भगवान शिव ऐसे देव हैं जिनकी पूजा आराधना से वास्तु दोषों का दमन होता है। जिन घरों में भी वास्तु दोष हो वहाँ सुख शांति के लिए शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद उस जल को घर लाकर उससे ओम नमः शिवाय करालम महाकाल कालम कृपालम ओम नमः शिवाय ये मंत्र जपते हुए पूरे भवन में छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से घर में मौजूद सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। बेल के पेड़ में दीपक जलाएं। घर परिवार में भगवान शिव की कृपा बनी रहे, धन का आगमन हो, इसके लिए घर की पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में बेल का पेड़ लगाएं और उसको नियमित रूप से जल दें और शाम के समय उसके नीचे घी का दीपक जलाएं। सावन में करें गौ सेवा। सावन माह में प्रतिदिन गाय या बैल को हरा चारा खिलाएं, जरूरतमंदों को भोजन कराएं, इससे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। सावन में लगाएं तुलसी। घर में तुलसी स्थापित करने के लिए सावन माह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस माह घर में पौधे अवश्य लगाएं, ऐसा करने से घर में खुशियां आती हैं। सावन में धारण करें रुद्राक्ष। सावन माह में घर की पूर्व दिशा में भगवान शिव एवं माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर लगाएं, इससे घर में क्लेश दूर हो जाते हैं। इस माह रुद्राक्ष को धारण करें, इससे मानसिक शांति प्राप्त होती है और शरीर निरोगी होता है। सावन में उपवास रखने या एक वक्त भोजन करने की विशेष मान्यता है। ऐसा करने से पापों का नाश होता है और अध्यात्म में रुचि बढ़ती है। घर के रसोई घर में गंगा जल ला कर रखें, चांदी या तांबे का त्रिशूल घर के हॉल में रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहेगी। डमरू को बच्चों के कमरों में रखें। सावन में तांबे का नाग लाएं, ऐसा करने से बच्चे को किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। चांदी या तांबे के बने नंदी तिजोरी में रखें, ऐसा करने से सभी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएंगे। कुछ सरल लेकिन बहुमूल्य उपाय वो करने से शिव की कृपा आप पर रहेगी और वास्तु दोष से मुक्ति जरूर मिलेगी। इन उपायों को करने से पहले किसी जानकार से परामर्श अवश्य ले लें। मान्यताओं में प्रचलित इन उपायों को करने से पहले ये जरूरी है कि पूरी श्रद्धा और लगन से हम भगवान शिव के सामने अपनी सेवा भाव को अर्पित करें। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में मिली जानकारी जरूर अच्छी लगेगी। कृपया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।